Hello guys, hope you like our videos and if you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. In this video, we are going to do chapter number 1, real numbers. Concept, previous year questions, year 2011 and 2012. Question number 1 is, express 2717 as a product of its prime factors. हमने 2717 को express करना है किस form में? Prime factorization की form में. तो यहाँ पे हम 2717 के factors find out कर लेते हैं. ये सबसे पहले जाएगा प्राइम नंबर 11 पे. जब हमने इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 247. इसके बाद ये जा रहा है 13 पे. 13 से 247 को डिवाइड करने पे हमारे पास आया 19, और 19 एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे 2717 के फैक्टर्स आए 11 इंटू 13 इंटू 19. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 414 एंड 506. ऑल्सो वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स. हमारे पास यहाँ पे टू नंबर्स हैं. फर्स्ट को लेट कर लेते हैं ए, दैट इज 414, और सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं बी, दैट इज 506. हमने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. 414 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ये सबसे पहले जाएगा टू पे, यहाँ पे आ जाएगा 207. ये जाएगा थ्री पे, हमारे पास आ गया 69. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड वी आर हैविंग हियर 23. और 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 414 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखा सकते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23. नेक्स्ट नंबर है 506. ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे आ गया 253. अब ये डिविजिबल है 11 से, यहाँ पे आ गया 23, और 23 इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे इसको जब हमने 23 से डिवाइड करा, हमारे पास आया 1. तो सो वी आर हैविंग 506 के फैक्टर्स एज 2 इंटू 11 इंटू 23. एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक तो इन दोनों में 2 कॉमन है और एक यहाँ पे 23 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 2 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 46. एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसमें एक तो एचसीएफ आता है जो हमने फाइंड आउट करा होता है, और एक वो फैक्टर्स आते हैं प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन नहीं भी होते हैं. जैसे फर्स्ट में है 3 इंटू 3, ये कॉमन नहीं है पर तब भी आएंगे एलसीएम में, और 11. तो इन फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 4554. सेकेंड पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि अगर हम एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, तो वो हमारे पास है 46 इंटू 4554. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 2,09,484. और उधर से हमारे पास राइट हैंड साइड पे दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है. नंबर ए है 414 और नंबर बी है 506. जब हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो भी हमारे पास 2,09,484 ही आ रहा है. सो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो वेरीफाइड.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर सिक्स पार एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। हमने चेक करना है कि सिक्स की पार एन, जब एन एक नेचुरल नंबर है तो क्या सिक्स की पार एन का एंड कभी भी डिजिट जीरो से हो सकता है। दैट मीन्स उसके वंस प्लेस पे कभी भी जीरो आ सकता है। देखो कोई भी इंटीजर जो है उसका एंड जीरो से तभी होएगा जब वो नंबर फाइव से डिविजिबल होएगा। दिस इम्प्लाइज कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइव तो जरूर आ रहा है। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन फाइव। यहां पे हमने सिक्स की पावर एन की प्राइम फैक्टराइजेशन देखी तो वो बन गई टू इंटू थ्री की पावर एन, दैट इज इक्वल टू टू पावर एन इंटू थ्री पावर एन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइव तो आया ही नहीं। एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स पावर एन डज नॉट कंटेन फाइव एज अ फैक्टर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइव नहीं है, देयर फॉर सिक्स पावर एन कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो नंबर्स हैं 2053 और 967। वो कहता है एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होने पे रिमाइंडर दे 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। दैट मींस वो नंबर जब हम 2053 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 5, जब हम उस नंबर को 967 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 7। तो ऐसे करते हैं, वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके नंबर्स देखते हैं पहले क्या बने। जब हमने 5 सब्ट्रैक्ट करा तो फर्स्ट नंबर बन गया 2048 और दूसरा नंबर हमारे पास था 967, उसमें से हमने 7 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास नंबर आ गया 960। अब इन दोनों नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके एचसीएफ निकालते हैं। जो एचसीएफ आएगा वही वो लार्जेस्ट नंबर होएगा। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स, और वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी होएगा। अगर हम 2048 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो ये 2 पे जाता है, हमारे पास आता है 1024। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 2 अगेन, यहाँ पे हमारे पास आया 512। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे हमारे पास आया 256। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे आया 128। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, we are having here 64. Again it is divisible by 2, we are having here 32. Again it is divisible by 2, we are having 16. Again it is divisible by 2, we are having here 8. The next, again it is divisible by 2, we are having 4. Again it is divisible by 2, we are having 2. And the last, 2 is divisible by 2 itself, we are having here 1. Now the next number is 960. Firstly, it is divisible by 2. We are having here 480. Second time also it is divisible by 2. We are having here 240. Then again it is divisible by 2. We are having here 120. Again it is divisible by 2. We are having here 60. Again it is divisible by 2. We are having here 30. Again, it is divisible by 2. We are having here 15. 15 is divisible by 3. We are having here 5. 5 is divisible by 5 itself. We are having here 1. So, yahan
यहाँ पे हमारे पास 2048 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आया 2^11 और 960 में आया 2^6 × 3 × 5, तो HCF बन गया 2^6। अगर हम इसको एक्सपांड करके देखें तो बन जाएगा 64। सो द लार्जेस्ट नंबर विच इज आर रिक्वायरमेंट इज 64। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल एंड हेंस शो दैट 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल। हमने प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल आ जाए। हम लेट कर लेते हैं √5 जो है वो रैशनल है। रैशनल मीन्स वो ए अपॉन बी की फॉर्म का हो सकता है, वेयर एज जो ए और बी है वो इंटीजर्स हैं, और साथ की साथ जो HCF है दैट इज ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, दैट मीन्स ए और बी दोनों प्राइम है ना। तो यहां से रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे आ गया 5 = a² / b², तो ये बन गया 5 × b² = a². सो ए स्क्वायर के दो फैक्टर्स बन गए, एक 5 और एक बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और एक थ्योरम है अगर कोई भी प्राइम नंबर पी डिवाइड करे ए स्क्वायर को तो दिस इंप्लाइज पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। सो देयरफॉर यहाँ पे पी है प्राइम नंबर जो हमारे पास 5 है, सो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड करेगा ए को। सो हम ए को लिख सकते हैं 5 × c, वेयर c इज ऑल्सो एन इंटीजर। जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन है इसको नंबर दे देते हैं 1, और यहाँ पे ये जो रिजल्ट निकाला है इसको बोल देते हैं स्टार, इसको बोल देते हैं 2, और पुट कर देते हैं 2 की वैल्यू 1 में। दैट मीन्स ए की वैल्यू फर्स्ट में फिट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 5b² = a² ए की जगह उसकी वैल्यू फिट आउट कर देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5b² = 25c². 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद बी स्क्वायर, इफ वी आर गोइंग टू टेक इट टू राइट हैंड साइड इट विल बी इन डिविजन। यहाँ पे 5 से 25 कट गया और 5 रह गया, सो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c². दिस इंप्लाइज कि जो 5 है वो अब डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, क्योंकि तो बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स आए, एक 5 और एक सी स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे फिर से ये रूल अप्लाई हो जाएगा, 5 क्योंकि प्राइम नंबर है अगर वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, लेट अस सपोज वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो ए को भी डिवाइड करेगा। इस रूल को अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो यहाँ पे बन जाएगा 5 पक्का डिवाइड करेगा किसको, बी को भी। सो दैट मीन्स हम बी को लिख सकते हैं 5 × समथिंग, इसको मार्कअप कर देते हैं 3। अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन और अभी जो बनी है थर्ड इक्वेशन इसको वॉच आउट करें तो यहां से तो ये क्लियर हो रहा है कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी, है ना। सो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए और बी बोथ, है ना। सो दिस इंप्लाइज जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी का वो तो 5 हो गया, बट ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 होना चाहिए, दैट मीन्स वो तो को प्राइम है, वो हमने लेट करा है। सो आवर सपोजिशन जो है जो हमने सपोज करा था वो रॉन्ग हो गया। हमने सपोज करा था कि √5 जो है वो a/b, दैट मीन्स वो एक रैशनल नंबर बन गया है, बट
अभी तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया. दिस इम्प्लाइज जो रूट फाइव है वो रैशनल नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है. फाइन, तो इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि थ्री प्लस रूट फाइव वो है जो वो भी इरेशनल हो. तो अभी देखो, रूट फाइव तो इरेशनल है, तो जो थ्री है वो एक रैशनल नंबर है ना. अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं इरेशनल नंबर में, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू बनती है वो भी इरेशनल होती है. सो दिस इज इक्वल्स टू इरेशनल. सो दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा थ्री प्लस रूट फाइव होएगा वो भी इरेशनल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम चेक वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स 50 एंड 20 आर को प्राइम और नॉट. को प्राइम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. वो कहता चेक करो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो एचसीएफ 50 एंड 20 है वो 1 है या कुछ और है ना. ये हमने फाइंड आउट करना, एक तरह से ये कह सकते हैं. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो ये कहता है कि लेट कर लो ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज द कोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर. और जो आर की वैल्यू है वो लाई करती है जीरो से लेके बी के बीच में. फाइन, तो यहां पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. ऐसे करते हैं, 50 को डिवाइड करके देखते हैं 20 से. यहां पे आ गया 2, यहां पे बन गया 40 और रिमाइंडर आ गया 10. तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करके देखा, ए की वैल्यू हमने ली 50 और बी की वैल्यू हमने ली 20. तो जब हमने 50 को डिवाइड करा 20 से, क्वेश्चन आया 2 और रिमाइंडर बचा 10. क्योंकि हमारा रिमाइंडर 10 है, वो 0 नहीं आया है. सो दैट मींस हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम 10 को डिवाइजर ले लेंगे और डिविडेंड बना लेंगे अपने पिछले वाले डिवाइजर, दैट मींस 20 को. तो ये 2 पे गया, यहाँ पे रहा 20 और इस बार रिमाइंडर आ गया है 0. सो इसको हम लिख, तो स्टेप नंबर 2 बन गया, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. हमारे पास इस बारी जो ए है वो है 20 और जो बी है दैट इज डिवाइजर जो है वो 10 है. तो हमारे पास बन गया 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर एज 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0. सो देयरफॉर अभी जो एच सी एफ है 50 और 20 का, वो इस स्टेप पे, दैट मींस जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप पे डिवाइजर क्या था, वो हमारा एच सी एफ बन जाता है. सो दैट मींस ये को प्राइम नहीं है. सो जो 50 और 20 हैं, दे आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम. को प्राइम होते हैं वो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए. इन दोनों नंबर्स का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आया है. सो दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम. क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट 5 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. हमने प्रूफ करना है कि 5 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. हम ले लेते हैं 5 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. हमने इसको एक रैशनल नंबर लेट कर लिया, तो इसको एक रैशनल नंबर का फॉर्म भी दे देते हैं एज ए अपॉन बी, वेयर जो ए बी हैं वो इंटीजर्स हैं, है ना. और ए बी का एच सी एफ दैट मीन्स ये को प्राइम है, एच सी एफ इनका है 1. तो यहां पे ये जो 5 ऐड हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं,
ये बन गया a माइनस फाइव बी इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय बी, और यहाँ पे रूट टू को अकेला कर देते हैं, ये जो थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो रूट टू की वैल्यू बनगी a माइनस फाइव बी अपॉन थ्री बी। देखो ए बी तो पहले ही इंटीजर्स हैं, और जो माइनस फाइव है या फिर ये थ्री है ये भी इंटीजर्स हैं, है ना। सो दैट मीन्स ये जो a माइनस फाइव बी अपॉन थ्री बी है ये क्या है, ये बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को, सो दिस बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज जो रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है, बट एज वी नो हम किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट में डालते हैं तो वो इरेशनल बन जाता है, क्योंकि टू एक प्राइम नंबर है, उसका अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो इरेशनल बन जाएगा, बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सो क्योंकि रूट टू एक इरेशनल नंबर है एक्चुअल में, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर फाइव प्लस थ्री रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है ना कि रैशनल नंबर।